कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने हरियाणा सरकार से जाट आंदोलन के दौरान हुई लूट और बर्बरता के शिकार लोगों को समुचित मुआवजा देने और उनका भरोसा फिर से बहाल करने की मांग की है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्य सचिव को इस बारे में अलग अलग पत्र भेजा है। कैथल, हांसी और पुंडरी के दौरे में आरक्षण आंदोलन के पीड़ितों ने जो दर्द बयां किया उससे पूर्व सांसद नवीन जिंदल काफी आहत हैं। उन्होंने अपने दौरे में आंदोलन के दौरान हिंसा और लूट का शिकार हुए लोगों की आपबीती सुनी और उनके दर्द को साझा किया। मुख्यमंत्री को लिखे एक खत में नवीन जिंदल ने सरकार से पीड़ितों की मदद करने, दोषियों को सजा देने और राज्य में भाईचारा बनाए रखने के लिए कदम उठाने की अपील की है। हरियाणा में निवेश का आदर्श माहौल है, लेकिन असामाजिक तत्वों के कारण राज्य को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस पत्र के जरिए मैं आपसे अपील करता हूं कि प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों ने तकलीफें उठाई और जिनकी रोजी रोटी का जरिया तबाह हो गया, उन्हें तुरंत और समुचित मुआवजा दिया जाए। मैं ये भी मांग करता हूं कि तुरंत एक विशेष टीम बनाई जाए जो आंदोलन के दौरान अलग अलग जगह हुए जान और माल के नुकसान का आकलन करे। इसके अलावा राज्य में समाज के सभी तबकों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना की बहाली की भी जरूरत है। राज्य के मुख्य सचिव डीसी ढेसी को लिखे खत में नवीन जिंदल ने कहा है कि अपने दौरे में मुझे ये सुनकर और भी दुख हुआ कि आंदोलन के दौरान सरकारी मशीनरी पीड़ितों को सुरक्षा देने के लिए मौजूद नहीं थी। पूरी सरकारी मशीनरी इन घटनाओं के दौरान केवल निष्क्रिय और मूक दर्शक बनी रही, बल्कि कुछ मामलों में पीड़ितों के गुहार लगाने पर उनको राहत देने के लिए भी आगे नहीं आई। शांति और कानून व्यवस्था कायम रखना सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी है। व्यापारी और दुकानदार बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आगजनी और लूटपाट से उनकी रोजी रोटी का जरिया छिन गया है। लोगों को सुधार देने के लिए सकारात्मक, ठोस और सुधार के कदम उठाने जरूरी हैं, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा न हो। प्रदर्शनकारियों की गुंडागर्दी और लूटपाट आगजनी के सबूत के तौर पर मीडिया और सोशल मीडिया में कई फुटेज उपलब्ध हैं। ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अफसर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पाए, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जाट आरक्षण आंदोलन के हिंसक हो जाने से न केवल 34,000 करोड़ का नुकसान होने का अंदाजा है, बल्कि राज्य में निवेश, विकास और भाईचारे की भावना पर उल्टा असर हुआ है। इसी खतरे को भांपकर नवीन जिंदल ने एक तरफ पीड़ितों के आंसू पोंछने का काम किया है और दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन से भी मदद और सुरक्षा देने के लिए आगे आने की मांग की है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।